अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे आप? तो उम्मीद करता हूँ सब खेलिए सभी। सो भाई अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 8। सो आज है सैटरडे। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इतना जल्दी उठाऊँ, वो भी छुट्टी वाले दिन। तो भाई वजह ये है कि आज मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट मैच जो है कराची में, जो जवाद के पास टिकट्स आई हुई थी। सो जवाद ने पूछा कि चलना है, कल रात को मुझे पूछा कि चलना है। मैंने कहा ओके सर, जैसे आप कहें। मैं जवाद शयान है और यहाँ से अभी निकलना है फिलहाल 9 बजे। मुझे यहाँ से किस तरह निकलूँगा मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट अभी फिलहाल मैं बैठ चुका हूँ नाश्ते में। देख सकते हैं आप लोग, अब कोकी हुआ अभी हमारे साथ बैठे हुए और इतना जल्दी उठे, बहुत अच्छा। क्योंकि स्कूल है 6 बजे उठे, स्कूल की वजह से ना, स्कूल थे रोज़ उठ जाता ना, स्कूल की रूटीन है मतलब के। और अब्दुल मतीन भी यहाँ पे बैठे, स्कूल की रूटीन है इनकी भी, दोनों की एक जैसे। तो खैर क्योंकि मैं आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये सर अपने ऊपर रखी है, क्योंकि मैं अभी अभी मैं फ्रेश हूँ। ठंड इतनी लग गई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं अभी भी काम और से नाश्ता करते हैं और निकलने की करते हैं, क्योंकि 9 बजे से पहले पहले वहाँ पे, क्योंकि जवाब ने कहा है कि टाइम से पहले आ जाना, कहीं सीट पे वगैरह में प्रॉब्लम ना हो जाए। मैंने कहा भाई ठीक है, आप टेंशन ना लें, बस मैं 7:30-8 बजे उठ जाऊँगा। उसने कहा ठीक है, 7:30 बजे उठाऊँ, फ्रेश हुआ हूँ, फिर आते साथ नाश्ते में बैठा हूँ, फिर अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, एंड तक देखना। अब्दुल रफीक की टिकट के लिए मैंने बहुत कोशिश करी पर वो टिकट हुई नहीं, तो अब जो भी होगा आगे वो सब आपको पता ही चल जाएगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू दी अनदर फिट। नाश्ता तो कर लिया है देख सकते हैं, और अभी फिलहाल मैंने ये उठा लिया, और ये बेफाम वगैरह भी चाहिए होगा, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद ही होगा बेफाम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने बेफाम भी उठा लिया। ये अपर भी मैंने उठा लिया है, क्योंकि ना के जा रहा हूँ, रास्ते में होगी बहुत ज़्यादा सर्दी, और सोक भी बस बराबर से पहनते हैं, बाकी बस चलते हैं निकलने की। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 8:10-15 मिनट और, सो 8:30 बजे बस फटाफट से यहाँ से निकलने की करेंगे, फिर यहाँ से गार्डन जाएंगे, गार्डन से मुझे पिक कर पाएंगे जवाब, तो जवाब से देखते हैं, फिर शायन के पास जाएंगे, शायन के पास से देखते हैं, फिर चलते हैं, फिर जाएंगे डायरेक्ट इंशाल्लाह नेशनल स्टेडियम। 10 बजे से पहले पहले पहुँचना है वहाँ पर, फाइनली हम चलते हैं। 8:30 तो हो रहे हैं बस, अभी अपर भी मैंने पहन लिया। तो आप क्रोकी हुआ है, आप अभी तक सोए नहीं हो, सो जाओ, सो जाओ जल्दी, अभी साफ किया ये, चलो सही है, कर दिया। इतना आप लोगों ने झगड़ा होगा, अब तो ये शूज़ पहन दो, निकलने ही करते हैं। सो जाना भी कह रहा हूँ आपसे। भाई साहब अभी निकल चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:30। अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि चिट्ठी मिलेगी भी नहीं मिलेगी, लेकिन सुबह का टाइम है, बिल्कुल सन्नाटा है, थोड़ी बहुत जो बाइक्स वगैरह जो हैं वो चल रही हैं, और अब मैं टेंशन में हूँ कि मिलेगी नहीं। कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे मिल जाए, और बस यहीं से निकलेंगे डायरेक्ट, चिट्ठी पकड़ेंगे चिट्ठी से डायरेक्ट गार्डन जाएंगे, गार्डन से फिर जो आज आएंगे मुझे पिक करेंगे, फिर शायान के पास जाएंगे, फिर शायान से डायरेक्ट वहाँ पर। तो बस पहले फटाफट से चलते हैं, कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कहा गया था 9 से पहले पहले आ जाना, और 8:40 मैं पहुंच चुका हूँ जवाब को कॉल करनी है, और मेरे पास डेटा पैकेज भी है, अब जाते हैं कहीं से डेटा पैकेज करवाते हैं और जवाब को कॉल करते हैं। जवाब ने लोकेशन तो ये बताई थी, पर मैंने जवाब को कहा कि दमदम वाली होटल के पास मैं आ जाऊँगा, क्योंकि वही हमारी लोकेशन है, जब भी मिलते हैं हम लोग इसी होटल पर मिलते हैं। मैंने इनको कह दिया कि यहाँ आ जाना, देखते हैं 9 बजे तक आते तो सही है, वरना फिर पैकेज वाली डेटा पैकेज वाली तो यहाँ पर कोई दुकान तो मुझे दिख रही नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ करके डेटा प्रेस करवाते हैं, फिर जब आएंगे कॉलो करे करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, हम मिल तो पहले चुके थे, और ये रही टिकट, टिकट खोल जाओ, कौन सी हैं, VIP हैं, VIP अल्ट्रा VIP, कहाँ पर है ये, कहाँ बैठे हैं, ड्रेसिंग रूम के साइड वाले, मज़ा आ गया यार। अभी तो आज के व्लॉग में भाई बहुत मज़ा आने वाला है, देखना पूरा, जरूर पूरा देखना, चलें शायन के पास, चलो बैठो और चलो। अच्छा बेफाम उठा है, हाँ मैंने उठा लिया, हाँ बुग्गा क्या हाल है, चलें
बैठ जा आ जा बाइक पे। नहीं रही बाइक पे लगता थोड़ी था बता। अरे मेरे को चलो बाइक पे। ऐसा अब अभी जवाब साहब गए हैं पार्किंग पे बाइक खड़ी करने और अब यहाँ से कराएंगे यूबर। यार यूबर बिलावा नहीं करवा रहे, यही से बाइक में क्यों नहीं चल रहा है? शायद बाइक अब्बू को चाहिए होगी शायद इसको जैसे, क्योंकि टेस्ट मैच है 500 में बच ही जाएंगे आराम से। अरे अरे ये रही भाई जवाद भाई की बिल्डिंग, ये रही गार्डन पे। जवाद ने भाई अच्छी जगह कर लिया है। हाँ सही है, मतलब प्राइवेट यहाँ पे कोई परेशानी वगैरह नहीं है भाई। फाइनली करवा दिए ऊबर, करवा दी करवा ली। कितने मिनट में आ रहे? आराम से आ जाएंगे, दो पीछे बैठ जाएंगे, एक मैं तो आगे बैठ जाऊँगा ब्लॉक के चक्कर। घर से निकल अभी रास्ते में ही होगा, 3-4 मिनट में बता रहे पहुंच जाएगा। तलत भाई है। तलत भाई चलो ठीक है, डायरेक्ट यहीं आएगा, यहीं की लोकेशन बताए ना बस। सही है भाई साहब, लगता है यही गाड़ी है हमारी, यही गाड़ी करवाइए ना। चलो भाई यही है, चलो ये ले शायन नहीं पकड़। मैं आगे बैठा पूछ लेते हैं इनसे क्या कहते हैं। ओके सर थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो भाई फाइनली अब इधर उतर चुके हैं, अब यहाँ से पैदल जाएंगे, गेट नंबर 14 में जाना है। और रास्ते वास्ते सब ब्लॉक है, वहाँ से ही ब्लॉक है, पहले वहाँ गए थे तो यहाँ पर हैं, यहाँ से ही ब्लॉक है, वापसी पैदल जाएंगे। बेटा पैदल बहुत चलना है, पैदल आज पैदल का अभी भी घंटा लगेगा, पहुँचते पहुँचते लग जाएगा। फिर अपना बेफॉर्म वगैरह टिकट वगैरह और मैच स्टार्ट हो गया होगा, 10:30 हो रहे हैं, 11 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे कम से कम। ये वाली साहब अभी हम लोग गेट पे पहुंच चुके हैं, पीछे था 7, अब आगे हमें जाना है 14 गेट नंबर पे, VIP है नंबर 10, हमें जाना है 14 गेट नंबर पे। अबे अभी इतना चलना है, मैं इतना चल कर आया अभी और इतना चलना है, बिल्कुल सन्नाटा है क्योंकि सुबह का भी टाइम है और टेस्ट में ज़्यादातर कोई देखने नहीं आता, T20 और वनडे देखने आते हैं। खैर कोई नहीं, टेस्ट मैच है भाई, कौन के लिए जा रहे हैं मज़ा आएगा बहुत, और ब्लॉक के लिए भी जा रहे हैं खास करके। खैर अभी चलते हैं, फिर आगे 11, 20, 13 फिर 14 आएगा। बिल्कुल ही अंदर सन्नाटा है क्योंकि जिस टाइम पिछले टाइम आया था T20 में इतनी रश थी किसी हद नहीं है, अब तो भाई बिल्कुल कोई नज़र ही नहीं आ रहा, यहाँ पे भी बिल्कुल खाली है। क्या हो गया यार कराची क्राउड को, क्या हो गया? पाकिस्तान का मैच नहीं देखने आ रहे, पासेस नहीं आ रहे, फ्री में भी थोड़े बहुत जाने दे रहे हैं शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि स्कूल वाले जो जा रहे थे 150 अभी गेट के अंदर इंटर हो चुके हैं। ये देखें कितना सन्नाटा है, फिर वो पहले नहीं था, हमें जाना है 14 गेट नंबर पे, ये है 13, आगे है 14। फिर इससे पहले जब हम आए थे यहाँ पर गए हुए थे 13 गेट से गए हुए थे, और देखें उस टाइम कितनी रश थी, इस बार बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट मैच है इस वजह से कोई आता नहीं है, और सुबह का भी टाइम है अभी कोई भी नहीं आएगा, रात दिन के टाइम पर आएंगे 1 बजे या फिर 5 बजे चले जाएंगे। खैर कोई नहीं, 14 गेट नंबर लास्ट है ना भाई, आप देख लो फिर कौन कौन से लोग आए हुए। बाबर आजम कहाँ शान शाफरी दी आया भी नहीं होगा ऊपर भाई, बिल्कुल VIP वगैरह बैठे होंगे कौन भाई। 13 गेट नंबर अभी है 14, चलो भाई जल्दी। अरे भाई बहुत थक गए, चलो अब लास्ट है, जाओ हाँ उसके बाद आखिरी गेट 14 गेट नंबर, फिर भी देख ले बेटा टिकट पे 14 ही है ना पक्का ना, बस सही है तेरा भाई 14 गेट। ये पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, चलें भाई बड़ा ज़बरदस्त है, 14 गेट नंबर तो बहुत ज़बरदस्त है यार। तेरे भाई ये लग गए हैं स्टैम्प, चले गेट 14 नंबर और चलें। सो भाई ये रहे हो गए एंटर, चले भाई ये बिल्कुल भी रश नहीं है यार। भाई अंग्रेज़ भी आए हुए हैं तो इधर, हाँ हमारी कौन सी है, हमारी कौन सी है,
हमारी तो 42 है। यहाँ पे तो इंग्लैंड के भी आए हैं प्लेयर्स वगैरह। चलो ऊपर चलें, ऊपर चलना है। कहाँ बैठे हैं? हमारी सीट कौन सी है बताना, सीट को छोड़ना। यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो भाई इधर बैठे, इधर देखो यार ज़बरदस्त। वहाँ पे देखें पाकिस्तानी प्लेयर भी यहाँ पे बैठे हुए। जाएंगे बाद में, अभी नहीं, अभी मैच इंजॉय करते हैं। होए होए बैठो यार, पूरा नज़र आ रहा है ना, ज़बरदस्त प्यारा नज़र आ रहा है यहाँ से तो भाई। जवाब आ जाए, हाँ सारे इंग्लिश में बातें कर रहे थे। आधे से ज़्यादा 50% अंग्रेज है यार, क्राउड तो बिल्कुल भी नहीं अंग्रेज। ये रहे सारे, ये एक अंग्रेज नीचे ही बहुत ज़्यादा बैठे हैं, एक सामने भी बैठे हैं। पिछले जब हम लोग इससे पहले आए हुए थे, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे इससे अगले वाले पे। अब ये वाला अच्छा है यार, यहाँ पे प्लेयर भी खड़े हुए, शायद मुलाकात हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। भाई अभी सामने कौन खड़ा हुआ, कौन है हमें पता भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से जैक लीच है, जैक लीच है ना। बैटिंग में कौन है? वो है भाई जबरदस्त, मैच बिल्कुल है भाई, ये भाई भाई स्टेडियम लग रहा है अभी, स्टेडियम लग रहा है ना। जब हम लोग इससे पहले जब हम लोग आए थे तो नज़र भी नहीं आ रहा था, ये तो फिर भी अच्छा खासा आ रहा है। बहुत अच्छी है यार, कब मार भाई क्या है, उस तरफ सब बैठे हैं। हाँ इंग्लैंड की इंग्लिश में बात करते हैं उन्होंने, क्या बात है कर रहे, समझ ही नहीं आ रही। गुड यार गॉड, देखें एलईडी वगैरह लगी, यहाँ पे भी मैच चल रहे हैं। कज़र अली है मेरे ख्याल से, कौन है ये, जैक लीच इशारे कर रहे हैं। यहाँ पे सारे मेरे ख्याल से कोई बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, और अभी देखते हैं यहाँ पर भी, देखते हैं क्या सीन है। अभी पाकिस्तान की टीम मेरे ख्याल से उस तरफ बैठी है, ये जो बैठे हुए रिजर्व प्लेयर पानी वगैरह देना, ये सब यहाँ पे ये वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे। खैर देखते भाई क्या मैच कर सिचुएशन है। अज़हर अली का लास्ट मैच ही है, और लास्ट मैच है, रिटायरमेंट ले लिया उसने, बस अज़हर अली का भी टेस्ट मैच लास्ट है। देखें भाई ये हैं अंग्रेज, और कैसे आ जाते हैं इंग्लैंड से पाकिस्तान, व्हाट मैन यार। आधे से ज़्यादा 50% अंग्रेज है, एक ये बैठे हुए, एक ये बैठे हैं, एक ये बैठे हैं भाई, वो खड़े में एक नीचे हैं, के रे के रे। कहाँ मतलब इंग्लैंड की तरफ से नहीं आते हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं। पिच लग रही है भाई, सुबह सुबह की पिच मज़े वाली लग रही है बिल्कुल। अभी बहुत कम है, उस तरफ देखें तो बिल्कुल भी नहीं है, वो भरा हुआ है, इसके बाद ये वाला पूरा खाली है, फिर इसका ये भरा हुआ है, फिर ये भी, फिर भी 14 गेट नंबर, फिर भी आराम आराम से लोग आ जाएंगे। पर वो वाला देखें, वो वाला एरिया तो बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल ही कोई नज़र नहीं आ रहा है। अब है ड्रिंक की ब्रेक, अब गाना वाने बजने हैं, सॉन्ग बजने हैं, बस डर ये है कि कॉपीराइट ना आ जाए। शायन क्या बोलते हैं इंग्लैंड वाले प्लेयर से, कुछ हंसी मजाक करें नहीं। बाबर 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 आ रहा है भाई, बाबर आजम किंग आ रहा है, किंग बाबर बाबर क्यों, बाबर आया भाई, बाबर आया, आ गया आ गया आ गया आ गया, वो दिख रहा है। हाँ बाबर दो विकेट गिर चुके हैं, बाबर आ गए भाई, किंग आ गए कैप्टन, जबरदस्त जबरदस्त। बाबर के आते साथ क्राउड चेक कर रहा भाई, जबरदस्त बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, किसने पकड़ा है सही बात बताऊं कुछ समझ नहीं आ रहा कैच किसने पकड़ा, आउट ये पता है मार्क वुड ने करा हुआ है, अब देखते हैं शान मसूद आउट हुए पर कैच किसने करा ये कुछ भी नहीं पता है। आजम आ चुके हैं, स्लिप कुछ भी नहीं लगा है बाबर आजम के लिए, सामने भी खाली है, कवर ड्राइव मार दी खत्म। हाँ नहीं बाबर आजम नहीं खेल रहा है, अज़हर अली खेल रहा है। अगर बाबर नहीं ना, अगर बाबर आजम होते हैं, लेकिन एक तो स्लिप लगाते, कोई भी स्लिप नहीं लगाया इन लोगों ने। ये देख अब ये करेगा बाउंस, बाबर मारेगा पीछे लेग की तरफ, तभी बाबर नहीं है मेरे भाई, मैं बाबर नहीं है, जब इसने स्ट्रोक खेला वो रनिंग हो गई थी। नहीं नहीं बाबर भाई, जो गिरने का स्पिन क्या है ना, वो बाबर है। हाँ। 36 नंबर है वो, अज़हर अली सामने ही खड़ा है। अच्छा मतलब ये बाबर है, क्या भाई बाबर आजम क्रीज पे आ चुके हैं, ना बड़ा रन अप लेके मार कूद आ रहे हैं। सो भाई देखते हैं ये शॉर्ट बॉल ही करेंगे, शॉर्ट बॉल चलो देखते हैं, वाकई शॉर्ट बॉल यार, वापसी वापसी वापसी। अच्छा तो भाई वाकई भाई शायान ने बोला शॉर्ट बॉल करें, शॉर्ट बॉल ही करें, वरना स्लिप लगाता, स्लिप लगाता। और नेक्स्ट बॉल देखते हैं मार्क वुड की तरफ से, ओ डॉट बॉल डॉट बॉल, मार्क वुड क्या बोल रहे हैं, मार्क वुड
मार्को भाई अभी आ चुके हैं अज़हर अली आया ना। हाँ। अज़हर अली के आगे पीछे मतलब चारों तरफ से इन्होंने खड़े करे हुए प्लेयर। लो भाई शॉट हो गया, डॉट बॉल बहुत अच्छे अज़हर। पहले शैन ये बंदा, ये लड़की है दोनों नहीं, दोनों आंटियां नहीं है यार, दोनों नहीं भाई मेरे जवाब दे बस ये सही बोल रहा है अंकल, वो आंटी है देख रहा है। अब इसको उर्दू में यार सारे अंग्रेज बेटे यार मजा नहीं आ रहा था। भाई इनको उर्दू आती है नहीं आती कुछ भाई, आ जाओ यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ खेल लो। अंग्रेज सब देख रहे हैं। अबे यार बोर कर रहे हो भाई, अज़हर अली कुछ मार लो। इस मैच ही काम आ रहे हैं, 10 ओवर में 1 बार मारेगा। 10 ओवर में आ गए 1 बार मारेगा। ये देखे भाई यहाँ डिफेंस इसका इतना अच्छा है तो उसको चाहिए कि स्ट्रोक खेले भाई। तो डिफेंस इसका पूरा मेडल लगता है, डिफेंस पे पूरा मेडल। चलो भाई आ जाओ अज़हर अली, चौका। हाँ हुआ है, चौका हो गया। डॉट आ गए भाई, 5 बॉल पे 1 रन आ गया। पावर पे स्ट्राइक। अब आप देखना अज़हर अली पे इतना शोर नहीं है ना, अब बाबर आजम पे कितना शोर है। एक बाबर आजम बॉल खेलेगा शोर। चले भाई बाबर आजम स्ट्राइक पे आ चुके हैं, देखते हैं। शॉट हो गया। ए, 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 भाई सिंगल। भाई जबरदस्त अज़हर अली कर दिया पुल। मार्कुट आज नया है ना, कौन फॉक्स आया, वो तो विकेट कीपर है। अच्छा ये फॉक्स विकेट कीपिंग कर रहा है, फॉक्स ट्रॉफी। पर बैंड टिकट क्या कर रहा है, बैंड टिकट कहाँ है, फ्लिप पे कहाँ है। अच्छा हाँ मेरे ख्याल से ये वहाँ पे खड़ा हुआ, ये रहा स्पॉट पे। देख बैंड टिकट है भी कि बैंड टिकट है, फ्लिप पे छोटा वाला बैंड टिकट, छोटा वाला। प्लेयर तो है ही नहीं, चार प्लेयर बाहर खड़े हैं, 1 2 3 4। अच्छा ये लोग बाउंसर ही करा रहे हैं। हाँ यार इनकी गेम प्लानिंग भाई क्लास की। शान मसूद को जो खेला था उन्होंने भी यही करा, शान मसूद को बाउंसर मारे, शान मसूद ने पुल करा और भाई यहाँ पे आके कैच हो गया। खैर कोई नहीं, अज़हर अली की बारी, अज़हर अली देखते हैं क्या करता है। शॉट आ गया भाई, अज़हर अली ने भी कर दिया पुल, बाबर ने। अबे भाई देखा, बाबर आजम ने एक शॉट मारा, आवाज जबरदस्त, बहुत अच्छे, मजा आ गया यार। क्या हुआ अंग्रेज चुप पड़े, मैं विकेट नहीं गिरी है ना इस वजह से। चिल्लाओ ना भाई, चिल्लाओ ना, अभी उर्दू समझ आए। ऐसा नहीं हम लोग कुछ बोलते हैं, लोग हम लोग को ये मारना स्टार्ट हो गया ऊपर आके। लग गई कवर ड्राइव, लग गई। मारेगा कवर ड्राइव बाबर मारेगा। बहुत अच्छे, बहुत आला है यार, बहुत जबरदस्त पुल करा मार्कवुड को। बिला जवाब पता, मार्कवुड है क्या, मारखोर। नहीं बोल भाई, पकड़ के मारेंगे बता रहा हूँ, सब उड़ के आ जाएंगे पर कोई भी बचाने आएगा। चलो भाई अभी कौन आ गया, अज़हर अली के पास है। व्हाट अ बाउंसर यार, रॉबिन्सन है ना, रॉबिन्सन जबरदस्त, बहुत अच्छे रॉबिन्सन, व्हाट अ ब्यूटी मैन। ये अंग्रेज बैठे हैं यार, जबरदस्त चार नहीं है फील्ड हुई है यार, पकड़ लिया बोल, जबरदस्त यार, गुड फील्डिंग, बहुत अच्छे हैं यार। ये कौन है, ये कौन जा रहा है, मारकूड है, अबे लग गई ना उसने फील्ड करी थी। अच्छा ये भाई आ गया, देख ली सामने अज़हर अली है, देखते हैं अज़हर अली का भाई बहुत अच्छा डिफेंस जवाब। कैमरा ऑफ करता हूँ, कुछ ना कुछ लग जाता है। बहुत अच्छा यार अज़हर अली, बहुत अच्छी स्ट्रेट ड्राइव, बहुत अच्छा खेल लिया यार। एम्पायर को लग गई नहीं लगी लगने वाली। अबे यार यहाँ पे रिप्ले भी नहीं है, ये रहा मेरे ख्याल से रिप्ले, यहाँ पे देख लें आप, पता नहीं नजर आ रहा हो नहीं आ रहा हो। जवाब बीच मार, अबे बीच इतनी नहीं, वो लोकल लड़की। अच्छा लोकल लड़की, बहुत अच्छे सिंगल अज़हर अली।
चलो भाई मार दो यार बाबर आजम, एक चौका लग जाए अब लग जाए। ओह व्हाट अ डिफेंस, जबरदस्त डिफेंस कर रही हो। चलो भाई मार दो अब लगेगा लगेगा लगेगा। सिंगल है, सिंगल, डबल 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 डबल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त। कौन आ रहा है नया बॉलर भाई, कौन आ रहा है यार, मजा ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। बोरियत हो रही है, बिल्कुल ही बोरियत हो रही है। ऐसा लगने हम लोग घर में बैठे हैं, कोई नहीं मजा तो आ रहा है, फिर भी कोई एक, कोई एक प्लेयर मिल जाए बस। प्लेयर मिल जाए यार, प्लेयर नहीं प्लेयर मिल जाए भैया। एक स्पिनर आ चुके हैं, अजहर अली सामने, शॉट भाई, एक सिंगल आ गया, सिंगल सिंगल डबल आ गया, बहुत अच्छे यार। अजहर मेरा भाई है, अजहर का लास्ट टेस्ट मैच है यार भाई, जबरदस्त हो गया यार, चौका मार दिया भाई अजहर ने, मार दिया अजहर ने, पॉइंट पे मार दिया भाई, पॉइंट ने अजहर ने पॉइंट पे चौका मार दिया अजहर भाई ने यार, बहुत अच्छे भाई। चिल्लाओ ना, क्या मसला है, पॉइंट तो हो रहा, ये डीप विकेट पे मारा इसने, क्या हो गया, इस साइड से खेल लेना। अच्छा नहीं ना, अच्छा हाँ पर बॉल वहाँ पर, अच्छा हाँ बॉल वहाँ गई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझा उस साइड से खेल रहा है, नहीं नहीं मिड विकेट पे गई। तो देख पूरे खाली है भाई, मार दे स्ट्रेट ड्राइव, सिंगल सिंगल, क्यों सिंगल भी नहीं, चलो भाई मार दे भाई मार दे, अब कैमरा ऑन है लगा दे, सिंगल सिंगल, बहुत अच्छा सिंगल आ गया, ओवर खत्म, ओवर भाई खत्म हो, ये ओवर हो चुका है खत्म, अब लग नेक्स्ट ओवर देखते हैं किसका। चेक लीज आ चुके हैं भाई नेक्स्ट ओवर पे, चेक लीज खाएंगे अभी छः। ओए 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 ओए, मजा आ गया यार शॉट देख के, कोई नहीं भाई सिंगल आ गया बट मजा आ गया देख के, फुट पे जाके मारा पीछे एक कदम करा टक। चलो भाई मार लो, अजहर अली, अजहर अली बाबर आजम, ओए ओए भाई कदम आगे करो और मार दिया है यार जबरदस्त, छह छक्का है, कुछ पता नहीं है, एम्पायर का इशारा देखते हैं, चौका बहुत ही जबरदस्त। आशीष आवाज आ रही है कि वीडियो बन रहा है, आशीष कमेंट्री कर रहा है, क्या भाई स्ट्रोक खेला है बाबर आजम ने, एक एक कदम आगे बढ़ा और एडवांस, एक कदम आगे बढ़ के एडवांस। अब जैक ले जा चुके हैं नेक्स्ट बॉल पे, डिफेंस बाबर आजम, एक स्विप हो जाए, एक स्विप, एक स्विप, सिंगल सिंगल सिंगल, डबल 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 डबल, सिंगल सिंगल, झाड़ू शॉट, झाड़ू शॉट, अजहर अली का फेवरेट है झाड़ू, झाड़ू झाड़ू। अंग्रेज बैठे हुए, अंग्रेज पाकिस्तानी से बात कर रहे हैं पर इंग्लिश आ रही है, नहीं समझ नहीं आ रहा, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेरा है और ये अंग्रेज यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है अंग्रेज, समझ नहीं में मतलब ढूंढे गाइए ना, अंग्रेज बोले पाकिस्तानी वाले का पता तो नहीं बोल रहे, हाँ बात बात करें बात करें। तो भाई अभी आराम आराम से क्राउड आए जा रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम था, सब कोई नहीं था, अभी थोड़ा टाइम होता जा रहा है, नाश्ते वाले खुले होंगे ना, नाश्ता किया होगा फिर आए, फिर आए, सुबह से कोई नहीं उठा जाते क्योंकि सर्दी का टाइम है, हम भी इतना बहुत जल्दी आए, थोड़ा अच्छा मज़ा आया रास्ते में, बहुत फन करा। अब खैर कोई नहीं, अभी आए लेग स्पिनर यार, इसका नाम क्या, मार्किसन पार्किसन ऐसे कुछ नाम था, ये बॉलर है बहुत अच्छी है भाई, आ गई बॉल, शॉट हो गया यार, कवर मार दी कवर, सिंगल के लिए पर कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा हो गया यार, मज़ा आ गया भाई, बहुत अच्छा, मिस फील्ड, डबल 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 डबल, सिंगल, चलो कोई नहीं कोई इशू नहीं है, कमॉन बॉयज कमॉन, ओ भाई मज़ा आ गया, हो गया शॉट, वापसी कवर ड्राइव, नहीं 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 कवर ड्राइव नहीं है, चलो कोई नहीं, डॉट बॉल।